हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञान बीजीजे। हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पढ़ रहे थे, उसके हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स करे हैं। अब आज हम एक और डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेकर आए हैं। ये सारे एग्जांपल्स इससे रिलेटेड या यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। आप बिल्कुल सिस्टमेटिक और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं फुल मार्क्स आपको मिल सके उनसे, इस तरीके से आप करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने एग्जाम्पल ऐसा दिया है कि इसमें आपको फाइंड आउट करना है, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 + √3 इट इज गिवन हियर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x². तो इसके दो पैटर्न हो सकते हैं, आप चाहे जो भी करें। हम पहले ले लेते हैं x इज इक्वल टू 2 + √3 और आप इसको स्क्वेयर करके इस तरीके से एक वैल्यू फाइंड आउट कर लें। फिर हमें 1/x निकालना है, तो 1/x के लिए हम 1 / √3 कर दें और फिर हम जिस तरीके से रैशनलाइजिंग कर रहे थे वो करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो ये तो एक मेथड है जिसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको सेकंड मेथड भी बताती हूँ। 2 - √3 और 2 का स्क्वायर, फिर -√3 का स्क्वायर, आपको आ जाएगा 2 - √3, ये हो जाएगा 4 - 3, दैट इज़ नीचे तो ये डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो ऊपर हमारा 2 - √3। 1/x इज इक्वल टू 2 - √3। अब इसको 1/x को हम होल स्क्वायर कर लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू 2 - √3 का स्क्वायर, और ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, एडिंग बोथ द इक्वेशंस आपको क्या मिलेगा, x² + 1/x² इज इक्वल टू 2 + √3 का स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को खोल के आप उसको सॉल्व करेंगे तभी वो आगे की वैल्यूज फाइंड आउट होगी। एज इट इज़ हमने ये लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर मतलब a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab लगाना है, तो 4 + 3 + 2 × 2 × √3 2ab + 4 + 3 देन -2 × 2 √3। तो ये तो एज इट इज हमारा कट जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट में है। एंड 4 + 3 = 7, 7 + 7 = 14। तो ये आपका आंसर आ गया। तो एक तो ये मेथड हुआ, अब हम एक और दूसरा मेथड करेंगे। इस मेथड में ये वाला जो सेकंड मेथड है ये कई जगह आपको काम में आएगा, तो इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। x इज इक्वल टू 2 + √3 इज गिवन टू यू, आपने फिर 1/x फाइंड आउट कर लिया जो हमने पहले मेथड से कराया था, तो 2 - √3 आ गया। अब हम x² + 1/x को ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि हमारा डायरेक्टली इक्वेशन हो जाए। अब हम कैसे करेंगे, हमने लिख दिया x + 1/x का होल स्क्वायर -2। अब ये कैसे आया, हमने क्या करा, x² + 1/x² था, इसमें +2 - 2 कर दिया। अब इस पार्ट को हम a + b का होल स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2ab + b². अगर a और b की वैल्यू हमारी x है तो ये x² हो जाएगा, फिर +1/x² हो जाएगा, +2 × x × 1/x, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका आ जाएगा x² + 1/x² + 2। तो यही फॉर्म है ये वाला। तो इस जगह हमने इसीलिए यहाँ पर इस टाइम पे हमने +2 - 2 करा, ये देखिए +2 - 2, तो +2 हमने इस ब्रैकेट के अंदर ले लिया एंड -2 हमने बाहर रखा। तो यहाँ पर इस फॉर्म में हम लिख देंगे x + 1/x का होल स्क्वायर और -2, दिस इज इक्वल टू x + 1/x। तो ये हमारा हो गया x + 1/x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये 2 + √3 और 2 - √3, तो 2 + √3 + 2 - √3, तो ये 2 से 2 हो जाएगा 4 एंड ये √3 से √3 कैंसिल आउट, और ये आपका स्क्वेयरिंग में है -2 और यहाँ पर है 2 + 2, यू विल बी गेटिंग 4 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर होता है 16, 16 - 2
दैट इज 14. यू गेट द आंसर. तो आप चाहे पहले वाला क्वेश्चन जिस तरीके से करना चाहें वैसा करें, पर ये जो पैटर्न है इस तरह के आपको आगे भी सम्स में लगाना पड़ेंगे, तो ये पैटर्न समझ लेना भी ज़रूरी है. तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये सेम एग्जाम्पल जैसे हमने पहले करा था उसी टाइप का सम है, तो आप इसे ट्राई करें और ज़रूर से आपको आ जाएगा. अब ये वाला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 1 - √2 और यहाँ पे x माइनस 1/x का होल क्यूब फाइंड आउट करना तो उसी तरीके से, पर फिर भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ. x इज इक्वल टू ये दिया है तो हम 1/x फाइंड आउट कर लेंगे. 1/x के लिए हम लिख देंगे 1 - √2 इंटू 1 + √2 एंड 1 + √2. ऊपर नीचे जो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि रैशनलाइजिंग करना है, तो 1 + √2 और ये 1 का स्क्वायर -2, 1 - 2 आ जाएगा, तो 1 + √2 और इसके आगे माइनस आ जाएगा, तो इट विल बी -1 - √2, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं. अब हमें फाइंड करना है x माइनस 1/x का होल क्यूब, तो उसके लिए हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. ये हमारी वैल्यू गिवन है 1 - √2 और यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा तो आंसर हमारा दोनों में प्लस हो जाएगा, तो 1 + √2 आ जाएगा. रूट टू से रूट टू कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ गया 2 और इसका होल क्यूब हो जाएगा. यहाँ पर भी हम लिख देते हैं तो 2 2 = 4 एंड 4 2 = 8, तो 8 इज़ योर आंसर. तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से करने से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. हम और भी नए एग्जाम्पल्स लेके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे. टिल देन बाय.